the topic is sex determination. So one type of sex determination that exists in most of the organisms is XX and XY, right? XX is going to be females and XY will be males. Males are heterogametic, agree? Two different type of gametes are produced. And females are homogametic. Most of the animals may XXXY type of sex determination hota hai. The probability of having a girl child and a boy child is going to be 50-50%. Kuch organisms aise hai, specifically some insects, which are having different type of sex determination. That is XXXO type of sex determination. Now in this XX and XO type of sex determination, this XX is again going to be a female. And XO means male. And males are heterogametic. Or females are homogametic. Heterogametic mein yahan par kaun kaun se do type ke gametes banenge? Ek gamete mein to X chromosome jayega, yes. और दूसरे गैमेट में ओ जाएगा. यहां ओ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओ मींस नथिंग. गेटिंग माय पॉइंट? दैट मींस मेल्स में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, वाई नहीं है और कोई भी नहीं है, सिर्फ अकेला एक एक्स क्रोमोसोम है. तो जहां कुछ भी नहीं है, हमने उसकी जगह पर क्या ले लिया है? ओ ले लिया है, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो आई कैन से हियर मेल इज हैविंग ओनली वन सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज एक्स. एंड ऐसा बिल्कुल होता है, इंसेक्ट्स में होता है, मेनी ऑफ द इंसेक्ट्स, ठीक है, जो आर्थ्रोपोड्स से रिजेंबल करते हैं मेंबर्स, ग्रास होपर्स आपके आसपास. ये तो इंसेक्ट्स का मौसम है, बारिश में ज्यादातर हमने अपने आसपास जो आर्थ्रोपोड्स देखते हैं उनमें बेटा जो मेल्स होते हैं उनके पास वाई क्रोमोसोम नहीं होता है, सिंगल एक्स क्रोमोसोम, वो मेल्स होते हैं. और अगर उनमें दो एक्स क्रोमोसोम आ जाए, क्योंकि एक गैमेट खाली बनेगा. गेटिंग माय पॉइंट? में कोई गैमेट नहीं जा रहा है. अब देखो, सपोज फीमेल्स होमोगैमेटिक होंगे, उनके पास दो एक्स क्रोमोसोम होंगे. अगर हम सेक्स डिटरमिनेशन के लिए यहाँ क्रॉस बनाते हैं, तो वी आर गोइंग टू राइट द क्रॉस लाइक दिस वे. दीज आर फीमेल्स, मेल्स, ऑल द गैमेट्स आर गोइंग टू हैव एक्स क्रोमोसोम. Half of the gametes are going to receive X chromosome and half of the gametes are not going to receive X chromosome. इसलिए heterogametic बोलते हैं बेटा, क्योंकि दो type के gametes बनते हैं. एक gamete में autosomes तो है, I am not denying that they are not having autosomes. They are going to have autosomes, but no X chromosome. यहाँ autosomes plus one X chromosome. Here also autosome. प्लस वन एक्स क्रोमोसोम. अब ये जब एक्स क्रोमोसोम इसके साथ फ्यूज करेगा तो इट विल बी एक्स एक्स, दैट इज गोइंग टू डेवलप इनटू अ फीमेल इंसेक्ट. एंड इफ दिस एक्स क्रोमोसोम इज गोइंग टू फ्यूज विद दिस गैमेट दैट इज नॉट हैविंग एक्स क्रोमोसोम, द जीनोटाइप विल बी एक्सो एंड दैट इज गोइंग टू डेवलप इनटू अ मेल. तो आई एम सेइंग कि एक एक्स क्रोमोसोम है, एक्स एक है, लेकिन मैंने ये कब मना किया कि ऑटोसोम्स नहीं है. ऑटोसोम्स तो पैर में ही प्रेजेंट है, तो इसके पास क्या प्रेजेंट है? सिर्फ ऑटोसोम है, कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं है. लेकिन गैमेट तो बना है ना विदाउट अ सेक्स क्रोमोसोम, और जब ये इसके साथ फ्यूज करेगा तो ये ऑर्गेनिज्म एक मेल ऑर्गेनिज्म में डेवलप होगा. एम आई क्लियर? तो वी कैन से कि मेल्स में दो टाइप के गैमेट्स बन रहे हैं. वन टाइप ऑफ गैमेट आर हैविंग वन एक्स क्रोमोसोम
means autosome plus one X chromosome, and the second type of gamete is only having autosome and no X chromosome, or you can say no sex chromosome is there. Am I clear, Vivek? ठीक है, इसको XX XO type of sex determination बोलते हैं. आपको examples पूछे जा सकते हैं. You need to remember that this type of sex determination works in insects and grasshoppers. एक और होता है बेटा, that is ZW and ZZ type of sex determination that occurs in birds. इसमें होता है, birds में होता है. These are the sex chromosomes of birds. यहां पर जो ZW है वो फीमेल है, तो ZW इज शोइंग व्हाट, हेटरोगैमेटिक. एग्री, दो अलग अलग सेक्स क्रोमोसोम्स हैं तो हेटरोगैमेटिक होगी. ZZ इज गोइंग टू डेवलप इनटू अ मेल, तो मेल इसमें होमोगैमेटिक होते हैं, रिवर्स है. तो बर्ड्स में जो सेक्स डिटरमिनेशन का मैकेनिज्म है दैट इज ZW ZZ टाइप. जो ZW कैरी करते हैं वो फीमेल डेवलप करते हैं, फीमेल में डेवलप होते हैं और वो हेटरोगैमेटिक होते हैं. जो ZZ में डेवलप होते हैं वो मेल्स हैं एंड दे आर होमोगैमेटिक. यू कैन सी, सपोज से दिस इज अ फीमेल एंड दिस इज अ मेल. Now the type of gametes that are formed from this female will be Z and half will be carrying W. So heterogametic, the males are always going to have Z. And fertilization is going to be there. If Z coming from female and Z coming from male, they are going to develop into a male bird. And if this W is going with this Z, that is going to develop into a female bird. So these three, aapko bas yahi teen yaad rakhne. These three are the type of sex determination in different organisms. Aur ye kaun se sex determination ki baat kar rahe, genetic, right? Because these are the chromosomes and chromosomes are actually carrying genes which are responsible for determining the sex of an organism. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं बेटा जिनमें जो ऑर्गेनिज्म का सेक्स है वो डिपेंड करता है कि एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसे हैं. जीन से फर्क नहीं पड़ता, देयर एनवायरमेंटल फैक्टर प्लेज रोल. लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स इज टेम्परेचर. बाहर एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर कितना है, ठीक है, बेसिकली जो एग लेइंग होते हैं, एग्स ले करते हैं, जो एग्स है वो कितने टेम्परेचर पर इंक्यूबेट हो रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एग के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो मेल ऑर्गेनिज्म में डेवलप होगा या फीमेल ऑर्गेनिज्म में डेवलप होगा. फॉर एग्जाम्पल टर्टल, लिजर्ड भी इसी में आती है, ठीक है. तो अगर हाई टेम्परेचर है 30 to 35 degree Celsius, so it is going to develop into females. And if temperature is low, then they are going to develop into males. So temperature fluctuate करके इनको males और female organism में develop किया जा सकता, ठीक है. तो यहां पर chromosomes role play नहीं कर रहे हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर रोल प्ले कर रहा है, ठीक है. एक और चीज बता देती हूं, मे भी आपको कहीं ना कहीं जरूर काम आ जाएगी. बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं बेटा जिसमें अकेले सेक्स क्रोमोसोम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है ये डिसाइड करने में कि कोई ऑर्गेनिज्म मेल ऑर्गेनिज्म होगा या फीमेल ऑर्गेनिज्म होगा. उसमें साथ में कौन रोल प्ले करते हैं, देखो अब तक जब हम इनकी बात कर रहे हैं वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द सेक्स क्रोमोसोम्स. हमने ऑटोसोम्स की कहीं बात नहीं की कि ऑटोसोम्स का कोई रोल नहीं होता है. बट इन सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म देयर इज रेशियो. किसकी रेशियो, एक्स क्रोमोसोम्स के नंबर की रेशियो या यू कैन से सेक्स क्रोमोसोम्स
और ऑटोसोम्स की रेशियो ये डिफाइन करती है कि ऑर्गेनिज्म एक मेल ऑर्गेनिज्म होगा या फीमेल ऑर्गेनिज्म होगा। तो साथ में कौन रोल प्ले कर रहा है? ऑटोसोम्स भी रोल प्ले करती है। दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इज ऑल्सो देयर इन विच देयर इज रेशियो ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड ऑटोसोम्स दैट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ ऑर्गेनिज्म। सारी चीजें पॉसिबल है एंड सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जाम्पल स्नेल इज देयर जो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग दे कैन चेंज देयर सेक्स। सिंगल ऑर्गेनिज्म कैन कन्वर्ट इंटू अ फीमेल ऑर्गेनिज्म और दे कैन फ्लक्चुएट इंटू अ मेल ऑर्गेनिज्म जो बहुत इजिली अपने सेक्स को चेंज कर लेते हैं सिचुएशंस कैसी हैं उसके डिपेंडेंट। नेचर में ये सारे वो पॉसिबल टाइप के सेक्स डिटरमिनेशन है जो आज तक आइडेंटिफाई किए गए। ठीक है, आपको बस ये सारी सिचुएशंस याद रखनी है कि ऐसा भी हो सकता है। दैट्स इट, दैट इज व्हाट सेक्स डिटरमिनेशन इज। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। ओके, दैट्स योर टॉपिक हेरिडिटी रेशियो। देखो only अब तक हम बात क्या कर रहे हैं, like we are human beings, okay, we are saying that if an organism is having, if an individual is having XX, तो वो female है, अगर XY, तो वो male है, हमने कहीं भी autosomes की बात नहीं की, agree? हम तो simply बोलते हैं that males and females are having same type of autosomes and same number of autosomes. लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स में ऑटोसोम्स भी रोल प्ले करते हैं, अकेले नहीं सेक्स क्रोमोसोम्स के साथ उनकी जो रेशियो होती है वो रेशियो ये डिफाइन करती है कि ऑर्गेनिज्म एक मेल ऑर्गेनिज्म होगा या फीमेल ऑर्गेनिज्म होगा। तो ओनली सिंगल एक्स क्रोमोसोम और सेक्स क्रोमोसोम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, द रेशियो ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स एंड ऑटोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ अ ऑर्गेनिज्म। तो ऑटोसोम्स का भी रोल है, पहले ये नहीं पता था। ठीक है, पहले सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम्स का रोल माना जाता था, धीरे धीरे मोर स्टडीज हुई तो उसके बेसिस पे पता चला कि नहीं ऑटोसोम्स भी इसमें रोल प्ले करते हैं, ना तो अकेले सेक्स क्रोमोसोम्स और ना अकेले ऑटोसोम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, दोनों की रेशियो से ये डिफाइन होता है कि ऑर्गेनिज्म का सेक्स कैसा होगा। ठीक है, तो ये थ्योरी क्या कहती है, ऑटोसोम्स का भी इन्वॉल्वमेंट मानती है बेसिकली सेक्स डिटरमिनेशन के प्रोसेस में, बस इतनी ही बात बताती है। ओके, दैट वाज बेटा अबाउट योर फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर हेरिडिटी। जो नेक्स्ट हाफ चैप्टर है हमारा दैट इज इवोल्यूशन। देखो इवोल्यूशन में याद करने का आई वुड से कि बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, बेसिक सी चीजें हैं जो समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखो इवोल्यूशन वर्ड क्या कहता है, व्हाट डू वी मीन बाय इवोल्यूशन। इवोल्यूशन एक प्रोसेस है, एक कैसा प्रोसेस है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस मीन्स जो लगातार चलता रहता है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट गोज ऑन वेरी स्लोली, चलता तो रहता है लेकिन बहुत धीरे धीरे चलता रहता है जिसको हम इजीली देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो जितनी भी स्पीशीज अर्थ के ऊपर सर्वाइव कर रही है उन सभी स्पीशीज में एक प्रोसेस चल रहा है, स्लोली स्लोली एक प्रोसेस चल रहा है, लगातार चलता जा रहा है। और वो प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आने वाले चेंजेस। वन जनरेशन इज गेटिंग डिफरेंट फ्रॉम द नेक्स्ट कमिंग जनरेशन बाय अ स्लो एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस।
तो मैं ये बोल सकती हूँ कि अर्थ के ऊपर जितनी भी स्पीशीज है वो सारी कैसी स्पीशीज है, इवॉल्विंग स्पीशीज है। हर जनरेशन में कोई ना कोई चेंज आता जा रहा है और वो चेंज लगातार आते जा रहे हैं। अब व्हाई आई एम सेइंग कि स्लो है, देखो वी मस्ट हैव सीन आवर ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, आवर ग्रैंडपेरेंट्स, राइट, आवर पेरेंट्स, फिर आवर जनरेशन, देन द नेक्स्ट कमिंग जनरेशन। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, सो आई हैव सीन माई ग्रैंड पेरेंट्स, माई पेरेंट्स आर देयर, my generation, my son is there, four generations, and I have seen the fifth generation also, my great grandparents, I have seen my dadi, so I have seen five generations. Now from these five generations I can hardly identify a difference. पांच जनरेशंस देखी है, लेकिन पांच जनरेशन में जो मेरी दादी थी, ऑल्दो मैं बहुत छोटी थी लेकिन वो भी वैसे ही दिखाई देती थी जैसे आज के दिन हम हैं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी वैसे ही दिखाई देते हैं, पेरेंट्स भी, हम भी, और माय सन आल्सो। तो चेंज तो आ रहा है, थ्योरी तो ये कहती है इवोल्यूशन की कि लगातार हम बदल रहे हैं, हर जनरेशन से अगली जनरेशन में कोई ना कोई बदलाव आ रहा है, लेकिन बेटा वो बदलाव इतना कम है, इतना माइन्यूट है कि वो बदलाव हमें दिखाई नहीं देता, कोई बड़ा चेंज नहीं है, छोटे छोटे चेंजेस हैं जो बहुत धीरे धीरे आते जा रहे हैं। अब वो चेंजेस कब दिखने स्टार्ट होंगे, वो चेंजेस तब दिखेंगे जो चेंज हो के कुछ बड़े चेंजेस में इन्वॉल्व हो जाएं, और ये लगने में कितना साल लग जाएगा, लैक्स मिलियंस ऑफ इयर्स। वो चेंजेस जैसे ह्यूमन बींग्स, हमारे जो पुराने एंसेस्टर्स होते थे उनसे हम बने, कैसे बने, अरे उनमें बदलाव हुआ होगा तो ही तो हम बने होंगे ना, मॉडर्न होमो सेपियंस, तो उनमें वो बदलाव होते हुए कितना टाइम लगा, बहुत लंबा चौड़ा टाइम लगा, मिलियंस ऑफ इयर्स लग गए। बी से कि हम मंकी से इवॉल्व हुए, तो मंकी से ह्यूमन बींग्स बनने में एक तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा टाइम लगा है, हम थाउजेंड्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम अब कितने इयर्स की बात कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ इयर्स की बात कर रहे हैं, कि इस चेंज में, इस बदलाव में मिलियंस ऑफ इयर्स लगे हैं। इसका रीजन, क्योंकि ये चेंज ऐसा नहीं है कि आपने एक बार आंख खोली और आपको सब बदला हुआ मिल गया, नो, ये चेंज लगातार एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मूव ऑन करते हैं और इतने छोटे चेंजेस होते हैं कि वो दिखाई नहीं देते हैं, मिलियंस ऑफ इयर्स तक वो इकट्ठे होते होते इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो बदलाव फिर इतने लाखों करोड़ों साल बाद दिखाई देना स्टार्ट होता है। और कौन बदल रहा है, सभी बदल रहे हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, वी टॉक्ड अबाउट वेरिएशंस अगर आपको याद हो तो, कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा वेरिएशन शो करते हैं, ठीक है, तो ये वेरिएशंस कहां से आ रही है, एक जनरेशन से अगली में जाती है, फिर अगली जनरेशन से उससे अगली जनरेशन में जा रही है, जा तो रही है ना, वेरिएशंस, चेंजेस जाते जा रहे हैं, और यही वेरिएशंस इकट्ठी होती जाती है और लाखों करोड़ों साल बाद ये एक स्पीशीज को कंप्लीटली एक नया लुक दे देती है। तो असल में बदलाव किसकी वजह से आए हैं, इन वेरिएशंस की वजह से आए हैं। अगर मैं ये बोलूं कि इवोल्यूशन इन वेरिएशंस की वजह से हुआ है तो गलत नहीं है, इवोल्यूशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एक्चुअल में वेरिएशंस रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वेरिएशन शो करते हैं, इसलिए उनमें इवोल्यूशन के चांसेस भी हमेशा ज्यादा होते हैं। थोड़ी बहुत बात समझ आई, शाबाश बेटा। इवोल्यूशन एक प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जो नेचर में, ये नेचुरल प्रोसेस है, नेचर में चलता रहता है, ठीक है। इवोल्यूशन बदलाव का प्रोसेस है, हर एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को बदलता रहता है, और ये बदलाव कैसे है, ऐसा नहीं कि एक जनरेशन में जो बदलाव आ गया वो उसी जनरेशन में रह गया, नहीं,
वो इस बदलाव को किसको पास ऑन कर रहा है? अपनी अगली जनरेशन को पास ऑन कर रहा है। अब एक बेसिक सी बात है, बदलाव वही पास ऑन होते हैं जो डीएनए में आए, एग्री? अगर डीएनए बदलेगा, वेरिएशंस डीएनए में आएंगी तो ही अगली जनरेशन में जाएंगी। क्यों? क्योंकि गैमेट बनेगा और गैमेट में सिर्फ क्या जाता है, डीएनए ही जाता है और कोई बॉडी पार्ट तो जाता नहीं है। तो बदलाव किस में आने चाहिए? गैमेट्स में आने चाहिए, डीएनए में आने चाहिए, ताकि उस डीएनए को गैमेट्स में पास ऑन कर दिया जाए। और अब बदलाव कौन सी सेल्स में आने चाहिए? ऑब्वियसली उन सेल्स में आने चाहिए जो गैमेट्स बनाती हो, एग्री? बाकी की बॉडी के सभी सेल्स में बदलाव आ जाए, चेंजेस आ जाए, डीएनए बदल जाए, लेकिन रिप्रोडक्टिव सेल्स में चेंजेस ना आए, तो क्या वो चेंजेस पास ऑन हो गए अगली जनरेशन में? पूरी बॉडी तो गैमेट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, सिर्फ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से रिस्पॉन्सिबल होते हैं गैमेट्स बनाने के लिए। तो चेंजेस कहाँ आने चाहिए? चेंजेस रिप्रोडक्टिव सेल्स में आने चाहिए। और कैसे होने चाहिए? परमानेंट, मीन्स जो डीएनए को चेंज करते, और ये डीएनए एक जनरेशन से कहाँ चला जाएगा? अगली जनरेशन में। अब इस जनरेशन में डीएनए में कुछ चेंजेस आएंगे, ये इस चेंजेस को कहाँ पास ऑन कर देगा? उससे अगली जनरेशन में। अब ये जब गैमेट्स बनाएगा तो ये चेंजेस को और अगली जनरेशन में पास ऑन कर देगा। तो बेसिकली हम नेचर में क्या कर रहे हैं, हर जनरेशन में हम कुछ ना कुछ चेंजेस को अपनी अगली जनरेशन में पास ऑन करते हुए जा रहे हैं। तो लगातार ये चेंजेस क्या हो रहे हैं, अगली जनरेशन में बढ़ते जा रहे हैं। ये इससे थोड़ा सा बदला, इनमें और ज्यादा बदलाव आ गए क्योंकि और ज्यादा चेंजेस आ गए, फिर और ज्यादा चेंजेस आ गए। इस तरीके से ये बदलाव कैसे होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। और मिलियंस ऑफ इयर्स के बाद हमें क्या दिखाई देगा कि हम तो बिल्कुल ही बदल गए हैं, क्योंकि टाइम के साथ इतने सारे बदलाव आ गए कि हमारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारी अपीयरेंस, सब कुछ बदल गई। फोटोग्राफ में कभी मंकीज और इनको देखते हो तो दिखता है, चेंजेस दिखते हैं। This image is visible to you. ये human evolution show कर रही है। देखो बेटा, यहां से इस first image से appearing like a monkey, some changes, change and finally into a modern man. ये क्या है? ये बदलाव है, ये changes है, ठीक है? एक स्पीशीज से, मंकी हमारी स्पीशीज का मेंबर नहीं है, वो तो अलग स्पीशीज है, एक स्पीशीज में इतने सारे बदलाव होते गए टाइम के साथ कि उसने कंप्लीटली ऑल टुगेदर नई स्पीशीज बना ली, बन गई ना। मंकी एक अलग स्पीशीज थी, उसने एक नई स्पीशीज बन गई जिसको हम होमो सेपियंस कहते हैं। अब इस मंकी से ये चेंजेस होने में, बदलाव होने में और इतनी एक नई स्पीशीज बनने में ये कितना टाइम पीरियड रहा होगा? ये बेटा मिलियंस ऑफ इयर्स रहे होंगे, यहां से यहां तक चेंजेस आने की वजह से। तो चेंज तो आया है, लेकिन बहुत स्लो चेंज आया है और लगातार आता चला गया है, और आज भी आता चला जा रहा है। अगर मैं ये बोलूं कि आज से कुछ लाखों सालों बाद, लाखों करोड़ों सालों बाद ह्यूमन बींग्स ऐसे नहीं दिखाई देते होंगे जैसे हम आज के दिन दिखाई देते हैं, तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि अभी भी तो हमारे, अरे अभी भी तो हमारे अंदर बदलाव आ रहा है, वेरिएशन, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हर जनरेशन में बदलाव आ रहा है। आज से लाखों करोड़ों साल बाद हम क्या पता कैसी शेप ले चुके होंगे, किस टाइप के, जब मंकी ने इवोल्व करना स्टार्ट किया और बदलना स्टार्ट किया और ह्यूमन बींग्स बन गए, होमो सेपियंस बन गए, तब किसको पता था कि कैसे चेंजेस होंगे और फ्यूचर कैसा होगा? यही बात है, आज के दिन भी हम बदल रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला हर स्पीशीज बदलती है, लगातार बदलती रहती है। अब हमें देखने पे तो, मैंने बोला मैंने 5 जनरेशन देखी है, मुझे तो देखने में कोई बदलाव नहीं दिखता,
वैसे ही दिखाई देते हैं, थोड़ा ना सींग निकल आए हैं कि हमारी जनरेशन तक पहुंचते पहुंचते सींग आ गए हैं, पेरेंट्स के तो कुछ नहीं होते थे, ग्रैंड पेरेंट्स के तो। ऐसा नहीं है, बदलाव तो है बेटा, लेकिन वो क्या है हमें नहीं पता, लेकिन जब वो बदलाव इकट्ठे होते रहेंगे वो कोई ना कोई शेप जरूर लेंगे, कोई ना कोई बड़े चेंजेस आएंगे, और हमें नहीं पता कि वो आगे चेंजेस कैसे होंगे, और आज जो ये ह्यूमन बीइंग्स हैं ये वहां उस टाइम पर कैसे दिखाई दे रहे होंगे, ये बात नहीं जानते। लेकिन ये बात श्योरिटी है कि बदल तो हम रहे हैं, हम ही नहीं, मैं किसी भी चीज की बात कर लूं, इवन ए स्मॉल हाउस फ्लाई एक इंसेक्ट है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, वो भी बदल रही है। किसी भी अपने आसपास के ऑर्गेनिज्म को आप कंसिडर कर लो, वो हर एक ऑर्गेनिज्म बदलाव, इवोल्यूशन, चेंजेस, वेरिएशन शो करता है, यही इवोल्यूशन है, और ये लगातार चलता रहता है, इससे चीजें बदलती रहती कंटिन्यूअसली, और इसका मेन रीजन क्या है, वेरिएशंस है, और वेरिएशंस हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आती। तो मैं ये कहूं कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स बदलते हैं तो वो बिल्कुल बदलते हैं, एसेक्सुअली क्यों नहीं बदलेंगे, क्योंकि जैसा पेरेंट है उसने अपने डीएनए को बिल्कुल 100% वैसा ही तो अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर कर दिया है, एग्री, इसलिए ये क्लोन्स होते हैं। लेकिन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म ने बिल्कुल वैसा ही डीएनए नहीं ट्रांसफर किया है अगली जनरेशन में, क्रॉसिंग ओवर हुई है, रैंडम सेपरेशन हुआ है, बहुत सारे ऐसे फिनोमिना हुए हैं जिसकी वजह से डीएनए चेंज हुआ है, तब जाके वो अगली जनरेशन में पास ऑन हुआ है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा वेरिएशंस आती है, और वेरिएशंस के अक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, अगर मैं करेक्ट स्टेटमेंट यूज करूं तो टाइम के साथ वेरिएशंस क्या होती जाती है, अक्यूमुलेट होती जाती है, अक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा होना, इकट्ठी होती जाती है। जैसे कि अगर मैं बोलूं एक मटका है, अ पॉट इज देयर, रात को मैंने क्या किया, टैप ऑन कर दी, लेकिन टैप कितनी ऑन की कि उससे ड्रॉप, अ वेरी माइन्यूट ड्रॉप इज कमिंग, बहुत माइन्यूट ड्रॉप ऑफ वॉटर गिर रहा है, वेरी स्मॉल ड्रॉप, तो मैं 4 घंटे खड़ी रहूंगी तो भी क्या दिखाई देगा, इतनी छोटी बूंद तो यहां तक भी मुश्किल से भरेगी मटके को। इसी माइन्यूट ड्रॉप को आप 10 दिन के लिए लगातार ऐसे ही छोड़ दो, 10 दिन बाद तो आपको चेंज दिखाई दे जाएगा, यहां तक पानी हो जाएगा, ठीक है। तो वो चेंज कब दिखाई दिया, लंबे टाइम बाद दिखाई दिया, क्योंकि वो एक एक बूंद लगातार इकट्ठी होती जा रही है, गेटिंग माई पॉइंट, इकट्ठी होती जा रही है तो उसका इफेक्ट दिखाई दे रहा है कि हाँ मटका इतना भर गया, जब तक वो एक एक बूंद थी तब तक वो दिखाई नहीं दे रही थी, कम थी, बिल्कुल वही बात है, जब तक ये वेरिएशंस कम है तब तक तो दिखाई नहीं दे रही है, जब एक साथ बहुत सारी इकट्ठी हो जाएंगी तो उनका इफेक्ट दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, समझे मेरी बात बेटा, ये इवोल्यूशन है, दिस इज व्हाट इवोल्यूशन इज। इसलिए मैंने बोला एक बहुत कंसेप्चुअल सा टॉपिक है, याद करने को बहुत कुछ नहीं है लेकिन समझने को बहुत कुछ है और इंटरेस्टिंग भी है। नेक्स्ट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ। You all have must heard about Big Bang Theory. Big Bang Theory के बारे में सबने सुना है? किस चीज को explain करती है Big Bang Theory? Universe कैसे बना? Agree? How our universe has formed? That is explained by this Big Bang theory, that a very small particle was there and there was a blast in this particle. The metals, the all the matter that scattered. जहाँ तक भी ये matter scattered हुआ, वहाँ तक हमारा universe present है.
अब इसी यूनिवर्स में क्या प्रेजेंट है, आर अर्थ इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, हमारी अर्थ है, ठीक है, तो कहीं एक पोर्शन पर हमारी अर्थ बनी होगी, जब अर्थ बनी तो उसपे चांसेस हो गए लाइफ ओरिजिनेट होने के, अर्थ की कंडीशंस सुटेबल होनी चाहिए तो ही उस पर लाइफ ओरिजिनेट हो सकती है, राइट। सो अगर हम अर्थ पे लाइफ के ओरिजिन की बात करें तो साइंटिफिकली ऐसी बहुत सारी थ्योरीज गिवन है दैट एक्सप्लेन दैट हाउ लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ। बहुत सारी थ्योरीज बेटा ऐसी है जो सिर्फ हाइपोथेटिकल थ्योरीज है, ओनली अ हाइपोथेसिस इज गिवन एंड दो नो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इज देयर, एंड सम ऑफ द थ्योरीज आर देयर विच आर एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय साइंटिस्ट, तो वी मोस्टली बिलीव ऑन दोज थ्योरीज which for which we are having some experimental proof. हम उसी को ठीक मानते हैं जिसका हमारे पास कोई experimental proof होता है. And most important thing is कि जब हम evolution और past की बात करते हैं तो हमारे पास इसका कोई factual data नहीं है, because no one have seen past, हमें नहीं पता past में क्या हुआ है, हम सिर्फ hypothesis create करते हैं and we try to prove those hypothesis. So there are different theories which actually explain the origin of life on earth. Some theories are accepted by some group of individuals without any scientific basis. Some theories are having a very good scientific basis and some experimental proof also. So there are lots of theories. For example, one theory is theory of special creation. What theory of special creation says? देखो theory of special creation basically उन लोग वो group of individuals मानते हैं which are having a religious belief on God, like Muslims they are having their own specific God, Allah, we are, we Hindu we believe in different God, Christians believe in their God. So they say कि life पे अर्थ हमेशा से ही ऐसी है, भगवान ने बनाई है, ठीक है, और हमेशा से ऐसे ही अर्थ एग्जिस्ट करती आई है विद ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल द मिलियंस ऑफ स्पीशीज दैट आर प्रेजेंट ऑन अर्थ, लाइक द सेम वे जैसे कि आज प्रेजेंट है ऐसी ही लाखों करोड़ों सालों से चलती हुई आ रही है, एंड दैट इज क्रिएटेड बाय गॉड। तो जितने भी रिलीजियस इंडिविजुअल्स हैं, रिलीजियस बिलीव रखते हैं, वो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को मानते हैं कि ये भगवान ने बनाई है। There are some scientific theories also, like theory of spontaneous generation. Theory of spontaneous generation, it explains abiogenesis. What do we mean by abiogenesis? See, abio means non-living, right? Bio means living. And abio means non-living. Genesis means formation. So formation of living cells, or you can say living organisms from non-living substances. Earth के ऊपर जो भी non-living material present था, उस non-living material से living organism या living cells बन गई. That is what we mean by abiogenesis, spontaneous generation. अपने आप से जो non-living material था उसने किसी ना किसी proportion में aggregate किया and it gave rise to some living cells. This is what theory of spontaneous generation is saying. Some more theories are there, theory of panspermia. Panspermia is interesting. See, panspermia क्या कहता है? Theory of panspermia says कि life earth पे originate नहीं हुई है. Life universe के जो बाकी planets हैं, वहाँ पर originate हुई है. Originated on different parts of universe and they landed on universe. Sorry, on earth. दूसरे other planets पर originate हुई और वहाँ से कहाँ आ गई है? अर्थ पे के ऊपर आ गई और अर्थ पे सरवाइव करना स्टार्ट कर दिया.
अब क्योंकि अर्थ पर सारी सुटेबल कंडीशंस प्रेजेंट है विच आर असेंशियल फॉर सर्वाइवल, दैट्स व्हाई दे मेड देयर हैबिटेट ऑन अर्थ, और वो कंटिन्यूअसली अर्थ के ऊपर सर्वाइव कर रही हैं. दैट इज व्हाट थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया सेज. देन कम्स थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस. हाँ देखो थ्योरी, यस थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया ये मानती है कि कुछ अलग और प्लैनेट्स है जहां पर लाइफ ओरिजिनेट हुई है और लाइफ मिल भी सकती है, बिल्कुल मानती है, ठीक है. लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, देखो अगर वो दूसरे प्लैनेट्स पे बनी है और अर्थ पर आई है तो उसको एक बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा है स्पेस का, एग्री. अब स्पेस सर्वाइवल के लिए सुटेबल नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, राइट. तो ऑलमोस्ट ये इम्पॉसिबल सी बात है कि कोई लिविंग फॉर्म एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर जिंदा पहुंच गई है, सर्वाइव करते हुए पहुंच गई है, जबकि हम ये जानते हैं कि स्पेस का जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है वो लाइफ को सपोर्ट नहीं करती है. तो इतना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना विदाउट एनी डैमेज सर्वाइविंग, ये ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. पहले देखो इवोल्यूशन, आई वॉन्ट से कि इवोल्यूशन हमेशा चीजों को बेटर बनाता है, ऐसा तो नहीं है, वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग ऑल्सो. बट हाँ ये जरूर मानते हैं बेटा कि जो पहली लाइफ फॉर्म बनी होगी ना, फर्स्ट लाइफ फॉर्म बनी होगी, वो बहुत सिंपल रही होगी, एग्री. इफ आई से दैट बैक्टीरिया या स्पेसिफिकली आर्की बैक्टीरिया वो सबसे प्रोमिनेंट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया बहुत पुराना ऑर्गेनिज्म है, पहले कभी आया होगा, तो बैक्टीरिया इज अ वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म, राइट, मेड अप ऑफ वन सिंगल सेल, ज्यादा इवन नॉट हैविंग सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, नॉट हैविंग अ प्रॉपर न्यूक्लियस. तो पहली लाइफ फॉर्म सिंपल लाइफ फॉर्म रही होगी, फिर तो धीरे धीरे इवोल्यूशन की वजह से वो एक कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म में कन्वर्ट होती गई. तो एक सिंपल लाइफ फॉर्म के लिए इतना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना और स्टिल सर्वाइव करना आके एक नए प्लेनेट पे, ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं इस चीज को. देखो नॉर्मली इवोल्यूशन से सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनती, लेकिन इवोल्यूशन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, इवोल्यूशन में हमेशा उन चीजों को सेलेक्ट किया जाता है जिनको हम एक्चुअल में यूज में लेके आते हैं. फॉर एग्जाम्पल ओके वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, रिमेंबर हाँ, लेकिन काम करता तो था, अब हमने इसको यूज करना बंद कर दिया तो व्हाट हैपेंड, रिडक्शन इन साइज, आज के दिन साइज में बहुत छोटा है, एक माइन्यूट सा पार्ट बन गया है हमारे जो एंसेस्टर्स थे. दिस इज हाउ द केकम इज देयर एंड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज देयर, अ वेरी रिड्यूस स्ट्रक्चर इज देयर, लेकिन एंसेस्टर्स में प्रॉपरली वेल डेवलप्ड होता था. तो जब काम करना बंद कर दिया तो साइज रिड्यूस हो गया, क्या पता नेचर इसको बिल्कुल एलिमिनेट कर दे आगे आने वाले कमिंग ईयर्स में, क्योंकि कोई काम नहीं कर रहा है. तो एक स्ट्रक्चर, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बॉडी से एक स्ट्रक्चर क्या हो गया, रिमूव हो गया. लेकिन रिमूव क्यों हुआ, क्योंकि हमने उसको यूज करना बंद कर दिया. नेचर बेटा इवोल्यूशन में नेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और नेचर की हमेशा एक टेंडेंसी होती है टू सेलेक्ट द फिटेस्ट. नेचर हमेशा एक ही प्रिंसिपल पर काम करता है, सिलेक्शन ऑफ फिटेस्ट, जो फिट है उसको सेलेक्ट किया जाएगा. लाइक कॉम्पिटिशन, आप एक कॉम्पिटिशन का पार्ट बनोगे बहुत जल्दी एनटीएससी, तो सिलेक्शन किसका होगा, जिसने बहुत ज्यादा मेहनत की, राइट, ऑलमोस्ट सारे सिलेबस को अच्छे से कवर अप कर लिया, जो उस पर्टिकुलर टेस्ट में फिट है, मार्क्स सबसे ज्यादा आएंगे, उसी को तो सिलेक्ट किया जाएगा. तो हमारा सर्वाइवल भी तो एक कॉम्पिटिशन है, इस कॉम्पिटिशन में नेचर सबसे बेस्ट को, सबसे फिटेस्ट को सिलेक्ट करता जाता है. अब क्योंकि ये चीज यूज की नहीं है इसलिए इसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है,
ये टाइम के साथ रिड्यूस होती जा रही है। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कॉम्प्लेक्स है ऑर्गेनिज्म, लेकिन उस कॉम्प्लेक्स में से एक इंपॉर्टेंट पार्ट को हटा दिया गया है क्योंकि यूज करना बंद कर दिया। और अगर हम पूरे के पूरे इवोल्यूशन को स्टडी करें तो हम बिल्कुल ये मानते हैं कि पहले जो लाइफ फॉर्म्स थी वो सिंपल थी, जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया ये सिंपल लाइफ फॉर्म कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म में चेंज होती गई। बट आई एम नॉट सेइंग कि सिंपल लाइफ फॉर्म अर्थ से एलिमिनेट हो गई, सिंपल लाइफ फॉर्म ऑल्सो एग्जिस्ट, बट दी सिंपल लाइफ फॉर्म, हाँ सिंपल तो नहीं बोलेंगे। देखो सिंपल बोलते तो तब एडवांटेज होता जब कोई काम कर रहा होता, राइट? जब कोई फंक्शन ही नहीं कर रहा है तो एक्चुअल में इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है बेटा। अब तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है क्योंकि कोई फंक्शन नहीं कर रहा है। यहां पर तो हम फंक्शनल फॉर्म्स की बात कर रहे हैं। इफ आई एम सेइंग सिंपल, बैक्टीरिया इज सिंपल लिविंग फंक्शनल, राइट? डॉग्स कैट्स कॉम्प्लेक्स लिविंग एंड फंक्शनल, ये कंपैरिजन है। फाइन, द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी, थ्योरी ऑफ केमिकल ओरिजिन, और यू कैन से मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है? मॉडर्न थ्योरी ये कहती है ए बायोजेनेसिस फर्स्ट, ए बायोजेनेसिस फर्स्ट, पहले क्या हुआ? ए बायोजेनेसिस हुआ। एंड व्हाट डू वी मीन बाय ए बायोजेनेसिस? नॉन लिविंग और मटेरियल से लिविंग फॉर्म बनना। एंड बायोजेनेसिस सिंस एवर आफ्टर, बायोजेनेसिस एवर सिंस और यू कैन से सिंस एवर आफ्टर, कि पहली बार तो ये बायोजेनेसिस हुआ था, नॉन लिविंग फॉर्म से लिविंग फॉर्म बनी थी, लेकिन बाद में पता है कौन सी बात लागू होती है? रिमेंबर रुडोल्फ विर्चो, द स्टेटमेंट ऑफ रुडोल्फ विर्चो विच वॉज एडेड इन सेल्फ थ्योरी, life exists or life, a new cell always comes from a pre-existing cell, ki ek baar to non-living material se kya ban gaya, ek living, simple living cell ban gayi, living structure ban gaya, lekin uske baad aage cells kaise bani, iske division se, is living cell se। तो अगर लिविंग से बनती है तो उसको क्या बोलते हैं? बायोजेनेसिस। तो इनिशियली फर्स्ट स्टेप ए बायोजेनेसिस था, लेकिन उसके बाद हमेशा क्या होता चला गया? बायोजेनेसिस होता चला गया। ठीक है, हम इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी देंगे। ये हाँ, ये एप्लीकेबल है बेटा, और वी आर हैविंग एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ इट।